उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की परीक्षा इन दिनों चर्चा में है। प्रदेश में कांस्टेबल के 60,244 पदों पर भर्ती के लिए तकरीबन 50 लाख लोगों ने परीक्षा दी। रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशनों पर भयंकर भीड़ ने लोगों का ध्यान इस तरफ खींचा है। भारी संख्या में लोगों ने यूपी पुलिस की भर्ती के लिए अप्लाई किया था। यूपी पुलिस में शामिल होना अपने आप में एक गर्व की बात है, क्योंकि यूपी पुलिस भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल फोर्स है। इसलिए युवाओं में यूपी पुलिस में शामिल होने का क्रेज देखा जाता है। आइए आज आपको इस वीडियो में यूपी पुलिस से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में बताते हैं। तकरीबन 25 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल पुलिस फोर्स है। उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक 75 जिलों में 33 सशस्त्र बटालियन, खुफिया जांच, भ्रष्टाचार निरोधी, तकनीकी परीक्षण, अपराध विज्ञान से संबंधित एक्सपर्ट सेल और ब्रांच में फैले करीब 3,10,000 कर्मी के फोर्स की कमान संभालते हैं। यूपी पुलिस में फिलहाल संख्या 3.3 लाख है, जिसमें 47,000 महिलाएं शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में नॉन गैजेटेड रैंकों में लगभग 65,000 पद खाली थे, इसलिए प्रदेश सरकार ने भर्ती का दौर शुरू किया था। आपको बता दें कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए प्रवेश परीक्षा के दो भाग होते हैं। एक में लिखित परीक्षा होती है और दूसरे में शारीरिक परीक्षा। शारीरिक परीक्षा में निर्धारित समय के भीतर पुरुषों को 4.8 किलोमीटर और महिलाओं को 3 किलोमीटर दौड़ना होता है। क्वालिफाई करने के बाद कांस्टेबलों को फोर्स में शामिल होने से पहले 6 महीने की ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। आपको बता दें कि यूपी पुलिस की ओर से 17 और 18 को दो शिफ्ट में कांस्टेबल 2024 परीक्षा आयोजित कराई गई थी। हालांकि अभी तक इसका रिजल्ट और आंसर की जुड़ी तारीख के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि परिणाम मार्च के पहले हफ्ते में जारी हो सकते हैं और प्रोविजनल आंसर की फरवरी के अंत तक जारी होने की उम्मीद है। बता दें कि परीक्षा 17 और 18 फरवरी को राज्य के सभी 75 जिलों में 2385 परीक्षा केंद्रों में हुए थे। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी किया जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।